जो टेल लैंप्स हैं वो कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मतलब आपको अगर गाड़ी रिवर्स करनी है तो आप अगर इसमें देख लोगे ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रिवर्स है और पोजीशन पे लगाओगे आप। एग्जैक्टली, क्योंकि इट इज हैविंग अ 3000 सीसी इंजन जो कि इनलाइन V6 इंजन होता है, BMW में मिलता है। ओके, एंड वेरी पावरफुल। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा ड्राइव का। 1 करोड़ प्लस है गाड़ी, और नहीं यकीन आ रहा तो गूगल भी चेक कर लेना आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और इस टाइम हमारे साथ में है नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट इम्पीरियो। आज नमन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जी, हमेशा की तरह जैसा कि हम चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट दिखाते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियां दिखाते रहते हैं, आज उसी कड़ी में हम लोग आए हुए हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो और आज हम आपको दिखाएंगे एक मतलब अल्ट्रा लग्जरी। बिल्कुल, इसे इस गाड़ी के लिए टर्म शायद लग्जरी छोटा रहता है, अल्ट्रा लग्जरी इज बेटर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। सबसे पहले आई होप कि हमारे जो सारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो और उनकी फैमिलीज बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है तो आई होप सब ठीक होंगे एंड रहना भी चाहिए। जिनको लग्जरी कार बिल्कुल पसंद है, मतलब जिनको लग्जूरियस कार चाहिए, जैसे कि अगर वो ट्रैवल करते हैं या फिर उनको पीछे बैठना, शॉफर्स ड्रिवन कार चाहिए या फिर सेल्फ ड्रिवन चाहिए, ये गाड़ी दोनों ही चीजों में उनकी नीड्स पूरी करती है। क्योंकि अगर आपको ये गाड़ी खुद चलानी है तो यू कैन ड्राइव इट परफेक्टली, इट इज हैविंग अ वेरी गुड ड्राइव। एंड अगर आपको पीछे बैठना है, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, तो उस केस में भी बिल्कुल परफेक्ट है, वो भी हम आपको बताएंगे क्यों। तो वो अभी हम आपको बताएंगे, बट उससे पहले आप थोड़ा एंजॉय करो इस गाड़ी के सिनेमैटिक शॉट्स और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो अब हम आपके लिए लेके आ गए हैं BMW की 7 सीरीज, जिसे हम कहते हैं BMW 730 LD LD एंड उसके आगे क्या लगता है? उसके आगे लगता है DPE सिग्नेचर, दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट। मतलब टॉप एंड वेरिएंट है कि जितनी भी लोडिंग आ सकती है 7 सीरीज में वो सारी लोडिंग इस गाड़ी में आपको मिलेगी। शुरुआत करते हैं इसके कलर से, तो नमन अगर शुरुआत करें तो कलर क्या है इस गाड़ी का? इट इज अ ब्लैक कलर कार एंड गाड़ी जो है 2017 की मैन्युफैक्चरिंग है, 18 की रजिस्टर्ड है। तो अगर किलोमीटर्स की बात करें तो कार हैज़ डन 28,700 किलोमीटर्स। एंड गाड़ी की कंडीशन जैसे हमने आपको अंदर से भी दिखाई, बाहर से भी आप कंडीशन देख सकते हो, थोड़ी गंदी है गाड़ी क्योंकि अभी थोड़ा सा रेन हुई थी, रेनी सीजन चल रहा है, मौसम थोड़ा ऐसा हुआ है, हम चला कर लाए हैं तो थोड़ी गंदी हुई है। बट अगर वैसे गाड़ी की बात करें, अलॉय व्हील्स पे कोई स्क्रैच नहीं है। अगर इंटीरियर की बात करें, कोई किसी तरह का कोई स्क्रैचेस नहीं है, कहीं से रग्ड ऑफ नहीं है सीट्स। एंड टायर की बात करें, टायर कंडीशन इज़ वेरी परफेक्ट, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाड़ी में। अभी आपको सर्विस कराने की कोई नीड नहीं है, गाड़ी रिसेंटली सर्विस्ड है, अभी कोई नीड नहीं है कोई भी काम कराने की, यू जस्ट हैव टू फ्यूल अप द कार एंड ड्राइव इट। अभी क्या है, मेरे पास इसकी एक की है जो इसकी की आती है, उसी के साथ साथ इसके साथ एक आपको स्मार्ट की भी मिलती है। बिल्कुल, जिससे आप मतलब गाड़ी को आई थिंक मूव भी कर सकते हैं अभी वो सिर्फ आगे और पीछे, तो आपको वो भी इसके साथ मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की, ये होती है लॉन्ग व्हील बेस कार। बिल्कुल, इन गाड़ियों में स्पेस के ही मज़े हैं। मेरे ख्याल अगर मैं गलत भी ना हूँ तो अगर इंसान की हाइट 6'5" भी है तो पीछे वो एडजस्ट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली हाइट का नहीं कह पाऊंगा, बट स्टिल ये बात जरूर कहूंगा कि पीछे अगर देखा जाए, पीछे ही नहीं सिर्फ आगे भी, गाड़ी में अगर हम लेग रूम की बात करें या फिर हेड रूम की बात करें, दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। तो चाहे आप कैसे भी हों, किसी भी हाइट के हों या फिर आपका कैसे भी हो बॉडी साइज, आप इजीली इसमें कंफर्टेबिलिटी के साथ बैठ सकते हैं। अभी बात करते हैं पीछे से, तो ये वाली जो शेप है, इस शेप में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव टेल लैंप्स दिखते हैं। जो टेल लैंप्स हैं वो कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कितने सीसी में है गाड़ी? दिस इज 3000 सीसी इंजन एंड जो कि 3 लीटर होता है, इट्स दिस इज अ इन लाइन V6 इंजन। अब बात करते हैं इसके बूट की, एक बार आपको बूट ओपन करके दिखाते हैं। तो बूट भी आपको काफ़ी मैसिव, 7 सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपको सिटिंग में ही स्पेस नहीं मिलता, इनफैक्ट आपको बूट में भी
काफी लॉन्ग व्हील बेस का यही फायदा है कि हमें पूरी जगह में इंजन क्या भी अगर हम इसकी बोनट की बात करें कहीं किसी चीज का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। आगे बोनट साइज काफी मिला हुआ है। अंदर इंटीरियर की बात करें तो ड्राइवर पार्ट जो है वहां पर भी काफी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है एंड बूट काफी अच्छा ही हमें बूट स्पेस गिवन है। अब बैठते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं लोडेड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको फीचर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो फीचर है इसे हम कहते हैं सॉफ्ट क्लोज डोर। डोर ऑटोमेटिकली बंद होंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अभी आप इधर देखेंगे, हल्का सा करूँगा, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्टलेस। तो अब बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर और अंदर बैठते ही इसके अंदर आपको मिलती है अल्ट्रा लग्जरी। अब वो नमन हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी अल्ट्रा लग्जरी है ये कार, क्योंकि इस गाड़ी में अभी बैठते ही हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम BMW। तो ये स्टार्ट हो गई है। एक डीजल कार का एक अलग ही साउंड होता है, बिल्कुल, यानी बट इसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई नॉइज है, क्योंकि कोई भी आपको ऐसा अनवांटेड साउंड नहीं मिलेगी गाड़ी में, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंसोल, एक चीज़ मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूँगा, देखिए अभी आपको लेग रूम देखिए, नमन अच्छी खासी हाइट है नमन की, मैं इजीली अपनी लेग्स को रख सकता हूँ कंफर्टेबिलिटी के साथ से और हम आगे ट्रैवल भी कर सकते हैं इसके साथ। अब देख लीजिए दोस्तों, अब मैं इस टाइम इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ, ऑल डिजिटल ओडोमीटर है इसका, ठीक है, हर चीज़ एकदम डिजिटली है। सिर्फ आपने जो ओडोमीटर कहा वो सिर्फ डिजिटल वही नहीं है, अगर हम मोड्स भी चेंज करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट भी करता है और अपने मोड व्यू जो होता है उसका चेंज हो जाता है। हाइट कंट्रोल का फीचर मिलता है एयरमेटिक सस्पेंशन का, जिसमें आप इजीली हाइट रेज कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, देखें अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशंस। देखते हैं एक बार क्लिक करके। अब यहाँ पे देखो ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब अभी ये वर्क कर रहा है। जब ये ब्लिंक होना रुक जाएगा इसका मतलब इट्स प्रॉपर्ली कंप्लीटेड। ओके, तो ये काफ़ी फील तो हो रहा है, प्रॉपर्ली एडजस्ट हो चुकी है और लाइट जो है ब्लिंक करना बंद हो चुकी है, मतलब यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुकी है। अब ये देखिए स्टेयरिंग देखिए, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। ऑडियो सिस्टम है हार्मन कार्डन का इसके अंदर, देन यू हैव मीडिया कंट्रोल हेयर। बीच में आप जो बटन्स देख रहे हो इनमें क्रोम की फिनिश है एंड कहीं पे भी कोई स्क्रैचेस या कुछ मार्क्स, मतलब आपको अगर आप गाड़ी आप ले रहे हैं तो आपको कहीं से ये फील नहीं आएगा कि यू आर बाइंग अ सेकंड हैंड कार, आप बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये वाली जो आप पूरी स्क्रीन देख रहे हो, इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है, ये पूरी टच स्क्रीन है। ओके, आप इसको डायल्स तो ऑपरेट कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। ये हमें बीच में मिलता है इसका नेविगेशन, देन यू हैव सेंसर आल्सो है राइट जी, आपके पास जेस्चर कंट्रोल भी मिलते हैं आपको, जिसमें आप वॉल्यूम तेज कर सकते हैं, वॉल्यूम इसके साथ साथ चैनल चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके कैमरा क्वालिटी की तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैं एक बार कहूँगा, एक बार आप अगर रिवर्स गियर डालेंगे तो आपको प्रॉपर कैमरा व्यू मिलेगा, 360 दिस इज 360 डिग्री कैमरा। वाओ, ये देखिए, अच्छा ये देखो गाड़ी दोस्तों, अगर मैं गाड़ी को चलाऊंगा ना थोड़ा सा, बस यहीं रोक दो। अब ये देख रहे हो प्रॉपर गाड़ी मूव, गाड़ी प्रॉपर मूव हो रही है, देख रहे हो, अच्छा व्यू मिलता है कि अगर आपके आगे कोई ऑब्स्टिकल भी है तो आप इजीली उसको देख के निकल सकते हैं। देखो अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो प्रॉपर आपको जो व्हील्स है ना, वो व्हील्स भी प्रॉपर घूमते हुए दिखेंगे। अब अगर आप टायर कट करोगे तो वो भी मूव होगा, ये देखिए टायर को कट करूँगा, ये देखिए इधर, ये पूरा, मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। मतलब आपको अगर गाड़ी रिवर्स करनी है तो आप अगर इसमें देख लोगे ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली रिवर्स है और पोजीशन पे लगाओगे आप। Exactly. अब ऐसे ही एक बार आगे करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए टायर किस तरीके से घूम रहे हैं, लेकिन कुछ स्पीड पर जाके ये स्टॉप हो जाता होगा। जी बिल्कुल, अगर आप नॉर्मली इसको रिवर्स पे कर रहे हैं तो इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप कहीं कंजस्टेड एरिया में हो, ट्रैफिक में हो, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बट एक स्पीड होती है जब आप सीधे चलेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा अपने आप। अभी आई थिंक इसको हमने कैसे किया था, एक बार मैं भी देखना चाहूँगा, ये लाइक दिस, ओके सो यू हैव द कंट्रोल। ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, लेकिन ये तो कुछ आगे से रही बात, लेकिन जो असली मज़ा है वो है पीछे से। तो अभी पीछे बैठते हैं और देखते हैं कि क्या अल्टीमेट लग्जरी है इस कार में। तो दोस्तों अब हम लोग बैठ चुके हैं 7 सीरीज की एक्चुअल सीट्स पे। वैसे तो मज़ा इस गाड़ी को चलाने का भी है, लेकिन जो मज़ा पीछे बैठने का है वो नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, गाड़ी अगर आप लग्जरी टर्म्स में देखें, मतलब अगर आपको पीछे बैठना है और अगर आप देखें कि आपको खुद गाड़ी चलानी है, तो दोनों ही टर्म्स में बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि पीछे की अगर बात करें स्पेस, तो इट्स मोर देन इनफ, मतलब आपके लिए पूरा कंफर्ट है पीछे। अगर आप कहें कि आपके साथ वाली सीट में ज़्यादा स्पेस है, तो वो कहना बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी गलत नहीं होगा कि अगर आपके साथ जो ड्राइवर सीट है उसमें स्पेस कम नहीं मिलता। क्योंकि अगर मैं नॉर्मली अपने पैर देखूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है, हेड रूम बिल्कुल परफेक्ट है, और पीछे की अगर हम प्रेजेंस देखें गाड़ी के अंदर का, इंटीरियर देखें, तो इट्स अमेजिंग। ये बिल्कुल ठीक कहा नवन ने कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे
इतनी ज्यादा लेग आप स्ट्रेच नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ड्राइवर को गाड़ी भी चलानी पड़ती है तो उसको भी कंफर्टेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो अनकंफर्टेबल होगा तो दिक्कत हो सकती है जब आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं लॉन्ग रूट पे। फीचर्स गाड़ी में इतने हैं कि हम लोग मतलब हम काउंट करना शुरू करेंगे और वो खत्म नहीं होंगे प्लीज। तो सबसे पहले जो इसका मेन फीचर है जिससे सारी चीजें कंट्रोल होती है वो है इसका जो सेंटर में टैबलेट दिया हुआ है जो कि बिल्कुल हम ऑपरेट कर सकते हैं टच से। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस गिवन है, सन प्रोटेक्शन के हो चाहे वो, या फिर हमें सीट्स का ऑप्शन हो, मीडिया का ऑप्शन हो, ऑलमोस्ट सब कुछ ही ऑपरेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक बटन में इसे ओपन कर सकता हूँ, ये देखिए इसका मजा अलग है। मतलब आप अपने से सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो फिर चाहे वो आगे की कोई चीज हो पीछे की। यहाँ से आप अपना मसाजर भी ऑन कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है गाड़ी में। ये आप देख सकते हो होल बॉडी एक्टिवेशन, बैक मसाज, शोल्डर मसाज, ये सारे आपको मसाज के ऑप्शंस गिवन है। आगे जो हमारी जो मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके जैसी पीछे नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मीडिया, सारी चीजें आपको मिलती हैं जिसमें आप इजीली कनेक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम ऑडियो की बात करें, ऑडियो क्वालिटी इज वेरी मच गुड क्योंकि हार्मन कार्डन का इसमें ऑडियो मिलता है हमें। आप सारे स्पीकर्स पे देख सकते हो, ब्रांडिंग भी उस पे है। इंटीरियर की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर गिवन है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव इंटीरियर है। आप हर जगह देखोगे छोटी छोटी जगह पॉइंट्स पे डिटेलिंग बहुत अच्छे से, बहुत मेंटेन्ड है, जैसे कि आप यहाँ पे वुडन फिनिश देख रहे हो। इसके साथ साथ नीचे जो आपका बेज पार्ट भी है बहुत ज्यादा परफेक्ट कंडीशन में, कहीं कोई स्टिचिंग की प्रॉब्लम नहीं, कोई भी किसी चीज की नहीं। एंड इंटीरियर की एक एक चीज की बात करें जो आपने एस्ट्रे ओपन करी है इसमें भी कहीं आपको कोई किसी तरह के स्क्रैच या मार्क्स नहीं मिलेंगे। करेक्ट करेक्ट, मतलब एक मेंटेन्ड गाड़ी है बिल्कुल। तो कंफर्ट आपको बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बहुत बढ़िया। सिर्फ वही कंफर्ट नहीं बल्कि जो सीट की कुशनिंग है बहुत ज्यादा क्वालिटी, अगर उसकी बात करें बहुत परफेक्ट है। साथ में आपको हेड कुशन्स भी हैं इसमें एंड लेदर क्वालिटी इट्स वेरी गुड। एंड इसके साथ साथ हमें पूरी दोनों सीट जो है रिक्लाइनर सीट्स मिलती हैं जिससे हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ आपके साइड में ऑप्शन जैसे आप मेरी सीट देखोगे मैं इजीली इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं चाहे उसको आगे करूँ या फिर पीछे जैसे मर्जी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। काफी कंफर्टेबल, बिल्कुल कंफर्टेबल है, आप जिसको जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें हमें वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। आप देखोगे आपके राइट साइड में ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो ये वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो जाती है, सामने भी आपके डिस्प्ले पर भी आ जाती है जिसमें आप मसाज भी देख सकते हो ऑपरेट हो रहा है एंड आपकी मेमोरी सीट्स है या फिर आपकी वेंटिलेटेड सीट्स है। मतलब सारी चीजें आपके इन हैंड है, सारी चीजें आपके हाथ में है, कंट्रोल कर सकते हो आप इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड कोई चीज नहीं है जो आप ना कर सको। एंड गाड़ी अपने में एक बहुत अच्छी चीज है, मसाज चल चुकी है इस टाइम तो आपको कंफर्ट तो और अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन के लिए मतलब ऑपरेट करने के लिए सारे बटन को लग रहा है दोनों साइड है, अगर वो सनरूफ का हो, पीछे वाले कर्टेन का हो, आपके कर्टेन का हो, जो आपकी आपके विंडो का कर्टेन है या फिर वो मेरी साइड का हो, सब कुछ हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीछे का अगर आपको कर्टन दिख रहा होगा तो ये देखिए मैं यहीं से ऑपरेट कर सकता हूँ, और नॉट इवन मी, नमन भी चाहे तो इसे अभी आपको ओपन करके दिखा देंगे। देखिए तो मतलब हर तरह से बंदे को मतलब बिल्कुल भी डिसकंफर्ट नहीं हो सकता इस गाड़ी में, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज ऑपरेट करनी है तो इस सीटों पे बैठ के आप इजीली हर चीज बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हो। अगर गाड़ी आती गाड़ी चला नहीं सकते एग्जैक्टली, वो आपको आगे बैठ के चलानी पड़ेगी। सही बात है। अब एक काम करते हैं, उतरते हैं इस गाड़ी से और जानते हैं नमन से कि 1 करोड़ की गाड़ी नमन किस प्राइस में ऑफर करेंगे ऑटोबेस्ट इंपीरियो के लिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस गाड़ी की डील की क्या डील है इस कार की, क्योंकि ये गाड़ी है सेल पे अवेलेबल ऑटोबेस्ट इंपीरियो पे। सिर्फ आप BMW ही नहीं, मर्सिडीज़ हो या कोई भी इम्पोर्टेड ब्रांड की कार हो तो वो आपसे परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इंडियन ब्रांड्स में डील नहीं करते हैं, सपोज मारुति, होंडा, इन सब में हम डील नहीं करते हैं। वी ओनली डील इन जर्मन ब्रांड्स जो कि लग्जरी ब्रांड्स होते हैं। एंड सारी आपको यही गाड़ियाँ मिलेंगी, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, पोर्शा, मतलब सारे ब्रांड्स यू कैन से। और कंडीशन आपको पता ही है कैसी होती है, वी बिलीव इन लोअर किलोमीटर्स एंड गाड़ी की कंडीशन मैटर्स द मोस्ट फॉर अस। तो प्राइस की बात बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा गाड़ी जो ये वाली 7 सीरीज है, दिस इज अंडर वारंटी टिल 2022। तो BMW में बेस्ट पार्ट क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी अंडर वारंटी है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी होती है तो वो कंपनी ऑपरेट होती है। ओके, मतलब अगर आपकी गाड़ी वारंटी में है तो ओके, तो वो वारंटी में सब चीज़ें कवर होती हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड पार्ट, बेस्ट पार्ट आई थिंक कि जो गाड़ी में है मिल रहा है आपको वारंटी, इंश्योरेंस इज स्टिल वैलिड, और कार की हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है 73,75,000 ओनली। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर गाड़ी अंडर वारंटी है, और वो भी वारंटी आपको कंपनी की जो बची हुई है वो इसके अंदर अगर आपको मिलती है तो वो एक तरह से आपके लिए बेनिफिट ही होता है। खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली कंपनी हैंडल करती है उस चीज़ को। इसमें बची हुई नहीं कहेंगे, दिस कार इज हैविंग एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड है ओके।
तो ये भी आपको क्लियर कर दिया। तो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7 सीरीज़ के लिए। बट अगर आपको 7 सीरीज़ नहीं चाहिए, कुछ और अगर आप ढूंढ रहे हो, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितना स्टॉक रहता है? ऑलमोस्ट हमारे पास 50-55 कार्स का स्टॉक रहता है, और भी पाइपलाइन में होती हैं गाड़ियाँ आने के लिए। तो एक बार आपको बस करना ये है कि आपको कॉल करना है या फिर हमारे शोरूम पर विजिट करना है, जो कि है मेन रिंग रोड राजौरी गार्डन पे, जस्ट नेक्स्ट टू द BMW शोरूम। और जो बेस्ट पॉसिबल डील हो सकेगी या जो आपको कार पसंद आएगी, उसके लिए हम बात कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो इसी नोट के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आप देखना चाहते हो ऑटोबस इंपीरियो से, क्योंकि इनके पास 50+ गाड़ियाँ होती हैं। तो कोई भी आप सेलेक्ट करना और हमें कमेंट में बता देना, ताकि हम जल्द से जल्द वो गाड़ी आपके लिए शूट करें और आपके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचाएँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए माय ग्रेट ड्रीम। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू गाइस।